नमस्कार जी, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कढ़ाई पनीर की जल्दी से बनने वाली रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे हम कम टाइम में जल्दी से बना लेंगे। सबसे पहले मैंने प्याज टमाटर को मोटा मोटा चॉप कर लिया है। एक पैन ले, उसमें तेल गर्म होने पर जीरा डालें। जीरा जब भुन जाए तो उसमें आप प्याज डालिए। प्याज आपको कितने लोगों के लिए बनाना है आप उसके हिसाब से लीजिए। उसे ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आप मोटा मोटा ही काटिए और ऐसे ही डाल दीजिए। जब थोड़ा सा ये भुन जाए तो उसमें आप 2 से 3 कली लहसुन की और 2-3 मिर्चियाँ डाल दी हैं। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। प्याज को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर को भी ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, इसे भी हम मोटा मोटा काटेंगे और डालेंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालिए और इसे पकने दीजिए। हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। मैंने मिक्सी जार में थोड़ी सी बर्फ़ डाली है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, हमारी ये प्यूरी बन चुकी है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। मैंने गैस में कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गर्म करने के लिए रखा था। इसमें हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। नमक हमने पहले भी डाला है तो ध्यान से ही डालें। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला और हम इसमें अपनी प्यूरी डाल देंगे। इसे अच्छे से मिलाइए। अब आप इसमें पानी डाल सकते हैं। पानी आप अपने हिसाब से डालिए, आपको कितने लोगों के लिए बनाना है। आपको चावल के साथ खाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिए और रोटी के साथ थोड़ा कम। अब हम इसे पका लेंगे। अब हम इसमें अपना पनीर ऐड करेंगे। पनीर को आप फ्राई या शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैंने ऐसे ही डाला है और ये ऐसे ही बहुत टेस्टी बनता है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। आप इसमें क्रीम भी डाल सकते हैं। क्रीम की जगह आप इसमें घर की मलाई भी डाल सकते हैं। इससे ग्रेवी का टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा दिखता है। इसी तरह से मेरा बहुत कम टाइम में कढ़ाई पनीर बन के तैयार है। इसे आप चावल, रोटी, परांठा या नान के साथ खा सकते हैं। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।